नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और इंदौर में होने जा रहा है अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम। हमारे साथ मौजूद हैं उस आयोजन समिति की चेयरपर्सन पद्मा जैन जी और सचिव ज्योति जैन जी। पद्मा जी, आपका स्वागत है जी। क्या आयोजन है और कब से है? नमस्कार। 4 और 5 मार्च को अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम का आयोजन वामा साहित्य मंच और घमासान.com संयुक्त रूप से करने जा रहा है। और इस आयोजन में मैं सभी साहित्य प्रेमी, साहित्य अनुरागी, आलोचक, विचारक सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब इसमें शिरकत करें। इतना बड़ा आयोजन है देश भर का, तो क्या बड़े महिला साहित्यकार भी अतिथि के रूप में या सहभागी के रूप में कार्यक्रम में आ रही? बिल्कुल आ रहे हैं। इसमें हमारे साथ सुधा अरोड़ा जी जुड़ रही है, किरण खान जुड़ रही है, अचला नागर जी जैसा बड़ा नाम है, सुषमा मुनिंद्र है और भी कई साहित्यकार आ रहे हैं। ज्योति जी, कितने सत्र होंगे इसमें आयोजन में? इसमें 6 सत्र होने वाले हैं, जिसमें उद्घाटन सत्र और समापन सत्र भी शामिल है। और इसकी खासियत यह है कि इसके विभिन्न सत्रों में जो अतिथि रहेंगे उनके अलावा जो हमारे सहभागी पूरे भारत से सदस्य आने वाली हैं, जो नारी शक्ति यहाँ आने वाली है, वे भी यहाँ पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगी। उनके लिए हमने थोड़ा सा सीमित समय रखा है, लेकिन वो सभी यहाँ पर अपनी बात रख सकेंगे विभिन्न सत्रों के दौरान, जिनमें टॉक शो है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर होंगी अलग अलग सत्रों में। क्या विषय रखे गए हैं? विषय एक तो चूंकि जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम है, तो निश्चित रूप से सारी लेखिकाएं जुड़ी हैं। तो कुछ विषय जो हैं वो हमने स्त्री शक्ति को लेकर के लिए हैं, जैसे कि साहित्य में महिलाओं के मुखर होते हुए विद्रोही स्वर हैं या हौसलों की जो उड़ान है, इस तरह के हम लोगों ने विषय लिए हैं। पूरे देश भर से कितने सहभागी आने की उम्मीद है? देखिए, संपर्क तो हम लोगों ने पूरे देश भर की कई महिलाओं से किया है और लगभग 50 महिलाओं के हमारे पास स्वीकृतियाँ आ चुकी हैं, जिसमें हालांकि मध्य प्रदेश से ये संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पूरे भारत से हमने जो संपर्क किया है वो लगभग हम लोगों ने 1000 से 1200 महिलाओं से संपर्क करने का लक्ष्य है। और ऐसी उम्मीद है कि 250 से 300 महिलाएँ यहाँ पर आ सकती हैं। लेखन के क्षेत्र में कई नई लड़कियां भी जुड़ रही हैं, तो जो नए लोग लिख रहे हैं उनको भी क्या इस सम्मेलन में अवसर दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, एक सत्र हम लोगों ने टॉक शो जैसा रखा है, तो उसमें हम लोग जो नवांकुर है, जो 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 लेखन की शैशवावस्था में है, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर एक अलग से सत्र रखेंगे। आजकल युवा क्या है, जो युवा पीढ़ी है वो लेखन के बजाय इधर इलेक्ट्रॉनिक उसमें गजेट्स में ज़्यादा जा रही है, तो हमारी ये कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम साहित्य से, विशेषकर कागज़ कलम से भी हम युवाओं को जोड़ सकें, तो निस्संदेह हम उन लोगों के लिए भी कुछ सत्र यहाँ रखेंगे। ब्लॉग भी लिखे जा रहे हैं, लघु कथा का क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा है, तो इन पर भी कोई सत्र होने वाला है? जी हाँ, उसमें हमने एक जो ब्लॉगर हैं उन्हें भी इन्वाइट किया है और उन्हीं उनकी स्वीकृति भी है हमारे पास, तो एक वो ब्लॉगर के लिए अलग से वो जो भी संदेश देना चाहेंगी अपने उद्बोधन में वो ब्लॉगर्स के लिए रहेगा। लघु कथा के क्षेत्र में एक बड़ा जाना माना नाम है श्रीमती मिथिलेश दीक्षित, आप लखनऊ से हैं और लेखन के अलावा वो एकेडमिक क्षेत्र में भी जुड़ी हुई हैं। लघु कथाओं में पूरे भारत में जो महिला लघु कथाकार हैं उनमें उनका नाम विशिष्ट रूप से लिया जाता है, उनकी हमें स्वीकृति मिल गई है, तो जिस सत्र में वो आ रही हैं उस सत्र में हम वो वाला जो सत्र है वो लघु कथाओं के नाम रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी